Hello everyone, in today's 11th commerce OC lecture we are in chapter number 3, small scale industries and business. In the last lecture we have completed with challenges before small scale industry. Now moving towards page number 51. So our next concern topic is steps in setting up of a small स्केल बिजनेस. अगर आप एक छोटा बिजनेस, स्मॉल बिजनेस या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट तो है ही है, बट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू जब आप एक प्रॉपर एज अटेंड करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन मे बी, तो आप हो सकता है जॉब की जगह बिजनेस को प्रेफर करें. और जब आप बिजनेस को प्रेफर करेंगे तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपके बहुत काम आएगा कि एक स्मॉल स्केल बिजनेस हम कैसे सेटअप कर सकते हैं. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप्स इन सेटिंग अप स्मॉल स्केल बिजनेस से. तो क्या क्या स्टेप है, पॉइंट टू पॉइंट हम यहां पर रीड करने वाले हैं वन बाय वन. Small scale business provides more independence than the large scale business, and through this type of business one can fulfill their dream to become entrepreneur. क्या बता दिया यहाँ पर, अगर आप small scale business start करते हो तो इसमें independence ज्यादा है. अगर आप large scale business open करोगे तो वहां पर responsibility बहुत ज्यादा हो जाती है, whereas small scale industry थोड़ी flexible होती है, आप अपने हिसाब से उसको modify कर सकते हो, change कर सकते हो. तो यहाँ पर ज्यादा chances है कि आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनो. ठीक है, वन कैन सेटअप अ स्मॉल स्केल बिजनेस बाय फॉलोइंग द सिंपल स्टेप विच आर एज फॉलोस. तो अगर आपको स्मॉल स्केल बिजनेस सेट करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इज डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया. आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका बिजनेस एरिया क्या है. वन नीड टू प्रिपेयर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्मॉल स्केल बिजनेस वन वॉन्ट्स टू सेटअप. आपको कौन सा बिजनेस, कौन से टाइप का बिजनेस सेटअप करना है, ठीक है ना, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा. तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जो स्मॉल लेवल पे प्रिपेयर किए जा सकते हैं. हमने देखा ट्रेडिशनल बिजनेस भी होता था और मॉडर्न बिजनेस भी है. तो साइकिल रिपेयरिंग का बिजनेस है, ठीक है ना, छोटे मोटे जो मैकेनिक के वर्क होते हैं या जो आप बोल सकते हैं कि जिसके अंदर हम लोग आर्टिसंस या जो हैंडवर्क का काम करते हैं उससे रिलेटेड हम कोई बिजनेस कर सकते हैं. ठीक है, तो स्मॉल स्केल ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है. और जो फेमस है उसमें हम देखते हैं जो कैंडल मेकिंग है, फिर जो हम लोग शूज या चप्पल जिसे हम बोलते हैं उसे प्रिपेयर करना हो गया. ठीक है, तो ये सारे जो फेमस बिजनेस है वो स्टार्ट किया जा सकता है. इट इज नेसेसरी टू डिसाइड वेदर वन विशेस टू सेटअप अ कॉर्पोरेशन, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप. तो आपको कैसे स्टार्ट करना है, आपको पार्टनरशिप में स्टार्ट करना है, किसी दूसरे पर्सन के साथ में आप पार्टनरशिप में ये बिजनेस चलाना चाहते हो, या सोल प्रोप्राइटरशिप में मतलब अकेले बिजनेस करना चाहते हो, या एक कंपनी की जैसे कॉर्पोरेशन आप स्टार्ट करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. द पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर हैज टू एनालाइज हिज स्ट्रेंथ वीकनेस व्हाइल डिसाइडिंग द एंटरप्रेन्योरशिप करियर. अगर आप एक एंटरप्रेनर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना एनालिसिस करना पड़ेगा, बिजनेस का तो बाद में, आपको पहले अपने अंदर झांककर देखना पड़ेगा कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपकी पावर क्या है और आपकी कमजोरी क्या है, आप कहां पर बहुत अच्छा काम कर सकते हो, है ना. तो स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और वीकनेस को कम करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. दिस एनालिसिस हेल्प्स इन Knowing what type of size of business would be most suitable. कौन से टाइप का बिजनेस आपको सूट करेगा ये डिपेंड करता है आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस पे. किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस पे. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर आ जाता है कि बिजनेस तो ठीक है, बिजनेस तो सारे बिजनेस अच्छे होते हैं, बट आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि आपको कैसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए. गेटिंग इट. नंबर टू, स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. चलो आपने अपना स्ट्रेंथ देख लिया, आपने अपना वीकनेस देख लिया और आपने कोई डिसाइड कर लिया कि चलो ये पर्टिकुलर बिजनेस मैं स्टार्ट करूंगा. फॉर एग्जाम्पल अगरबत्ती मेकिंग, है ना, अगरबत्ती आपने देखा होगा, बहुत ही सिंपल होता है अगरबत्ती मेकिंग. उसका जो रॉ मटेरियल होता है उसको ला करके कुछ हम लोग ने लेबर रख दिया अपने पास 8-10, और उनके थ्रू अगरबत्ती का बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं. तो आपने डिसाइड किया कि अगरबत्ती का बिजनेस हम करेंगे. ठीक है, आगे क्या होगा, बिफोर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले
it is always essential to study and understand the prevailing business environment in which they operate, particularly the industrial policy, economic policy, licensing policy, legal environment and technological environment. ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी. तो business environment क्या है, है ना? जो business आप start करने जा रहे हो उसके ऊपर कौन से law apply होंगे, क्या हमें किसी policy की जरूरत पड़ेगी वहां पर, economic policy को ध्यान रखना जरूरी है, क्या हमें कोई license लेना पड़ेगा, क्या इससे related कोई law भी है जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है, है ना? फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्ट करना चाहा क्रैकर्स, जो फायर क्रैकर्स होते हैं ना, अभी दिवाली आ रही है तो आपने प्लान किया क्यों ना ऐसा करें कि हम फायर क्रैकर का इंडस्ट्री डालें और वहां पर हम क्या बनाएंगे, फायर क्रैकर डालेंगे. अभी फायर क्रैकर को लीगल तरीके से भी आपको क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए होता है. अदरवाइज क्या हो सकता है, ये एक विस्फोटक पदार्थ है और इसमें क्या हो सकता है, कभी भी फायर अकर हो सकता है या बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है ना. तो आपका यहाँ पर लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है, लीगल एनवायरमेंट उसका क्या है, ये सारी चीजें, और टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट क्या, आपको कौन सी मशीन कहां से लेनी है, ये सारी बातें आपको स्टडी करनी पड़ेगी. द एनवायरमेंट इंपैक्ट्स अ लॉट इन सेटिंग अप अ प्रॉपर इंडस्ट्री. प्रॉपर इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए एनवायरमेंट स्टडी करना बहुत जरूरी है. अदरवाइज एक बार आपने गलत बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो आपका फेलियर उसमें चालू हो जाएगा, और अगर आप फेल हुए तो हो सकता है आप फिर डिप्रेस हो जाए, आगे ना बढ़े, है ना? बट कैसा होता है, बिजनेस को सेट करने में टाइम तो लगता ही है. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमारे सामने हैं. जैसे देखो Alibaba.com, आपने नाम सुना होगा. तो Alibaba.com जो है चाइनीज कंपनी है और इसके जो मालिक हैं वो है जैक मा. अब जैक मा की आप स्टोरी सुनेंगे तो बचपन से लेके काफी समय तक, एट द एज ऑफ 30-40 ईयर्स तक, वो कैसे थे, उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता था, सब जगह पे फेलियर. जहां जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते थे लोग उनको इंटरव्यू लेने के बाद जॉब पे नहीं रखते थे, ऐसी स्थिति थी. कितने सारे बिजनेस ट्राई किए लेकिन फेल हो गए, बट फिर भी वो रुके नहीं. और उन्होंने क्या किया, आज की तारीख में देखो फ्लिपकार्ट अमेजोन को टक्कर देने वाला Alibaba.com करके उन्होंने वेबसाइट बनाया है कि नहीं, कितना फेमस है. तो बिजनेस में तो अप एंड डाउन आते रहते हैं, बट जहां तक हम मार्केट को स्टडी करें, बिजनेस एनवायरमेंट को अगर हम पहले से देख लेते हैं तो हमको एक बेटर वहां पर अपॉर्चुनिटीज मिलती है. सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, अब आपको क्या सिलेक्ट करना है, प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है. वन नीड्स टू डिसाइड द प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चर और द सर्विस टू ऑफर. कौन सा प्रोडक्ट आप देना चाहते हैं या कौन सा सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं. व्हाइल चूजिंग द प्रोडक्ट और सर्विस विच वन wants to offer, one must conduct a good market research. जो product आप देना चाहते हो या जो service आप provide करना चाहते हो, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक market research करना पड़ेगा कि जिस local area में या जो आपका scope है उस area के अंदर आपका product चलेगा या नहीं चलेगा, कितने percentage chances है वहां पर, ठीक है ना. Learn about the prevailing competition in the market. Market में अभी current competition कितना है, आपके जैसे product देने वाले, आपके जैसे service provide करने वाले कितने लोग हैं, तो आपका उसमें मार्केट शेयर कितना होगा, आप क्या स्पेशल प्रोवाइड कर रहे हो, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा. सिलेक्शन ऑफ प्लेस, अब बारी आती है प्लेस की सिलेक्शन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपका प्लेस का सिलेक्शन आपने बहुत ध्यान दे करके लॉजिक के साथ किया तो आपका 50% वर्क वहीं पर हो जाता है ना. ऐसा प्लेस पे आपने इंडस्ट्री पुट की है या आपने बिजनेस सेटअप किया है जहां पर हमारा जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड ऑटोमेटिक इंक्रीज होता है, लोग देखते हैं और परचेस करना चालू कर देते हैं. क्यों, ये थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला इलाका है और हो सकता है लोगों की नजर हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ती है और अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, परचेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो वुड के काम करने वाले है ना, जो टिम्बर से क्या बनाते हैं, स्टूल बनाते हैं, देन टेम्पल, जो छोटा टेम्पल होता है वुडन टेम्पल वो बनाते हैं, ठीक है ना, फिर चेयर टेबल वो बनाते हैं. तो ऐसी जगह पर लोग क्या होते हैं, जो आने जाने वाले लोग होते हैं उनके नजर में आता है कि ठीक है मुझे अगर स्टूल लेना है, मुझे टेबल लेना है, मुझे चेयर लेना है तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ. तो ऐसा जगह पर अगर आपने बिजनेस सेटअप किया तो आपका क्या हो रहा है, आपका इंडस्ट्री तो चल रहा है, ऑटोमेटिकली एडवर्टीजमेंट भी हो रहा है और लोग परचेस करेंगे. वन नीड्स टू चूज अ लोकेशन टू सेटअप स्मॉल स्केल बिजनेस. स्मॉल स्केल बिजनेस करने के लिए आपको सेटअप का सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है. While choosing the location, factors such as nearness to market, market से नजदीक होना चाहिए. Source of availability of raw material, जहां पर आप हो वहां पर raw material available होना चाहिए. Labor, labor भी, जो काम आप कराना चाहते हो है ना,
उस काम को जो जानते हैं, मतलब ऐसे स्किल्ड पर्सन, स्किल्ड लेबर वो भी वहां पर मौजूद हो, मतलब बहुत दूर से लेबर को ना आना पड़े। देन वी हैव ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वहां पर है या नहीं, क्योंकि हमारा जो गुड्स है वो फैक्ट्री से मार्केट पहुंचाना है और रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ फैक्ट्री हमको लेकर के आना पड़ेगा। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, वहां पर प्रॉपर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी है या नहीं है, एंड अदर थिंग्स आर कंसिडर्ड, ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। लोकेशन डिटरमाइंस द सक्सेस और फेलियर ऑफ द इंडस्ट्री। लोकेशन से मैंने आपको कहा मोर देन 50% वर्क आपका हो जाता है, तो बहुत बार आपका सक्सेस या फेलियर डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। ठीक है, जितना अच्छा लोकेशन होगा उतना जल्दी आपका बिजनेस सेट हो जाएगा। गेटिंग इट एवरीवन? यहाँ पे हमने 4 पॉइंट देखे। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है बिजनेस सेटअप करने के लिए स्टेप्स क्या क्या है। पहला स्टेप आप क्या करेंगे, डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया, कौन से एरिया में आपको बिजनेस करना है। उसके लिए आपको क्या देखना है, आपका वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, अकॉर्डिंगली आपको कौन सा बिजनेस सूट करेगा वो डिसाइड करना। नंबर टू, बिजनेस एनवायरमेंट आपको देखना है कि आप जो बिजनेस करने वाले हो उसके लिए इकोनॉमिक एनवायरमेंट प्रॉपर है कि नहीं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लाइसेंसिंग पॉलिसी, लीगल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल और एनवायरमेंट आपको प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फिर आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट आपको ऐसा सिलेक्ट करना है जहां पर प्रॉपर डिमांड जनरेट होती हो, ठीक है ना। नंबर फोर, प्लेस आपको ऐसा सिलेक्ट करना है जहां पर आपका मोर देन 50% वर्क ऐसे ही हो जाए, जो मार्केट से नियर हो, जहां से रॉ मटेरियल हमको जल्दी मिल जाए, जहां पर लेबर हमको जल्दी मिल जाए और इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी अच्छी हो, ऐसी जगह पर आपको इंडस्ट्री पुट करनी चाहिए, ठीक है। नंबर फाइव, सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। टू मैन्युफैक्चर एनी आइटम टेक्नोलॉजी इज यूज्ड, सही बात है, कोई भी प्रोडक्ट आपको बनाना है तो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। अभी आज की तारीख में अगर आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, प्लस आपका जो प्रोडक्ट है उसमें न्यू डिजाइन, न्यू पैटर्न उतने जल्दी नहीं आ पाते। नेक्स्ट, आपका जो प्रोडक्ट है उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब आप मास प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे अगर आप वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करते हो, तो आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करना है। एंटरप्रेन्योर शुड पोसेस इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल अवेलेबल टेक्नोलॉजीज एंड इट्स सूटेबिलिटी। आपको टेक्नोलॉजी, चलो टेक्नोलॉजी है भी तो आपको सूट करेगी क्या, कि आपके पास उतना फाइनेंस है, वो सब बातें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इट विल बी ऑल्सो यूजफुल टू डिटरमाइन द नीड ऑफ मनी, मटेरियल एंड इक्विपमेंट टू बी इंस्टॉल्ड। अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में प्रॉपर स्टडी करते हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन से टाइप का इक्विपमेंट मुझे चाहिए, कौन से टाइप का मटेरियल मुझे चाहिए, कितना पैसा लगने वाला है, आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ये सारी बातों को भी आपको गौर करना पड़ेगा। मतलब एक एस्टिमेट आपको मिल जाएगा आपका टोटल कैपिटल कितना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस प्रपोजल, बिजनेस प्रपोजल। प्रोजेक्ट अप्रेजल मींस द असेसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट। अभी जब कोई आप बिजनेस सेटअप करते हो तो आपको वो प्रोजेक्ट को भी ध्यान रखना है कि आपको कंप्लीट क्या करना है। असेसमेंट करना मतलब चेक करना कि इसमें आपका टोटल कॉस्ट कितना रिक्वायर है और प्रोजेक्ट कितने पीरियड में कंप्लीट होगा, और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपको प्रॉफिट कितना जनरेट होगा। ये प्रोजेक्ट अप्रेजमेंट है ना, ये प्रोजेक्ट जो अप्रेजल है वो आपको यहां पर करना है, असेसमेंट करना है। इट इज अ टेक्निक फॉर एनालिसिस ऑफ अ स्कीम और प्रोजेक्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग टू सेटअप एन एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज सेटअप करने के लिए आपको ये पर्टिकुलर स्कीम या टेक्निक यूज करना पड़ता है। द एंटरप्रेन्योर has to appraise the project carefully from the economic, financial, technical, market, social and managerial point of view. देखो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। सबसे पहला economic factor आपको देखना है वहां पर, है कि नहीं, आपका economic environment कैसा है। दूसरी बात financial, क्या आप इतना cost bear कर पाएंगे जितना यहाँ पर capital requirement है ना, आपको सब देखना है ना, क्योंकि बिजनेस सेट होने में हो सकता है 6 महीने, 1 साल या 2 साल भी चले जाएं, तो तब तक के लिए आपके घर में उतना फंड होना चाहिए कि आपका घर का जो रोलिंग है, घर का एक्सपेंडिचर है, वो भी होता रहे, और बाकी जो आपको रॉ मटेरियल के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, लेबर को पेमेंट करने के लिए भी वर्किंग कैपिटल हो, ये भी आपको ध्यान देना है। तो फाइनेंस भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होगी, मार्केट वहां पर कैसा होगा,
क्या मैं प्रॉपर मैनेज कर पाऊंगा, है ना। कई बार क्या होता है, दो पार्टी आपस में पार्टनरशिप कर लेते हैं। सपोज एक पार्टनर को प्रॉपर उसको ये टेक्निक पता है कि कैसा सीविंग मशीन से काम किया जाता है, मतलब सिलाई वगैरह का काम उसको पता है, तो दूसरा जो पार्टनर है उसके पास कैपिटल है, पैसा है, तो दोनों ने हाथ मिला लिया कि तुम पैसे देना और मैं क्या करूंगा, मैं सिलाई का काम करूंगा, ये हमारे बीच में क्या है, एग्रीमेंट है। बट आफ्टर वन और टू ईयर, एक दो साल के बाद क्या होता है, ये जो पार्टनरशिप है वो ब्रेक हो जाती है। क्यों? जो कैपिटल देने वाला है ना वो बिजनेस में ध्यान नहीं देता। क्यों? उसने पैसा दे दिया, बोलता है मैंने तो पैसा दिया, मेरा काम खत्म हो गया, बाकी मुझे तो आता ही नहीं है। और जो काम करने वाला है उसके दिमाग में चलता है कि पूरा काम तो मैं ही कर रहा हूँ, इसने खाली पैसा दे दिया है और ये पैसे से खाली मजा करता है, काम नहीं करता है, है ना। तो जिसके पास क्या है, जिसके पास स्किल है, वो अपना बिजनेस शिफ्ट कर लेता है, वो खुद सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं खुद का अकेले कर लूंगा, तो वो थोड़ा बहुत पैसा लेकर के वो बिजनेस छोड़ देता है और जिसने पैसा लगाया उसको लॉस हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया है सोशल लेवल पे और मैनेजरियल लेवल पे, क्या आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। फाइनेंस, अब आई पैसे की बात। आपको सपोज अभी बिजनेस स्टार्ट करना है, अभी है ना, विद इन अ मंथ, एक महीने में आपको बिजनेस करना है, आपको पैसा चाहिए, सबसे पहले आप कहां पर जाओगे पैसे के लिए, बताइए। फर्स्ट सोर्स आपके पास क्या होगा फॉर मनी? तो जो मैक्सिमम आंसर था वो था बैंक लोन, लेकिन आप ये बात को समझिए कि ये एज में जहां पर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आपने कोई वेल्थ क्रिएट नहीं किया, आपका कुछ सेविंग्स नहीं है, ऐसे समय पर आपको कौन सा बैंक लोन देने वाला है? कोई बैंक आपको लोन नहीं देगा, है कि नहीं। तो फिर करना क्या है, आप उस सोर्स ऑफ फाइनेंस के पास पहले जाते हैं जहां पर आपको इंटरेस्ट ना देना पड़े या बहुत कम देना पड़े, है ना। सबसे पहले दिमाग में ख्याल आता है माय डैड इज एटीएम, डैडी डैडी थोड़े पैसे दीजिए, मुझे कोई बिजनेस सेटअप करना है कि नहीं। अगर वो पैसे कम पड़े तो हम थोड़ा अपना एरिया ऑफ सर्कल बढ़ाते हैं, डैडी के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स जो वो तो हमारे जैसे हैं, ठीक है ना, उनके पास भी पैसे नहीं है, हम भी निठल्ले, वो भी निठल्ले। तो डैडी के जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं या हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनसे हम बात कर सकते हैं, बराबर है। और उसके बाद भी पैसे कम पड़ रहे हैं तो डैडी से बात करके उनके नाम पर लोन निकाला जा सकता है जहां पर हमें इंटरेस्ट भरना पड़े। बट फर्स्ट जो आपका प्रेफरेंस रहता है, आप ऐसे फाइनेंस ढूंढते हैं जहां पर आपको इंटरेस्ट ना देना पड़े, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो। तो फाइनेंस को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द एंटरप्राइजेस। फाइनेंस क्या है, लाइफ ब्लड, मतलब जैसे लाइफ के लिए ब्लड का जरूरत होता है, है ना, विदाउट ब्लड देयर इज नो लाइफ, है कि नहीं। उसी तरीके से बिजनेस रन करने के लिए आपको फाइनेंस का जरूरत है। सो द नेक्स्ट बिग स्टेप इज टू अरेंज फॉर फाइनेंस। नो बिजनेस कैन बी क्रिएटेड विथ जीरो कैपिटल। जीरो कैपिटल से तो कोई बिजनेस स्टार्ट होता नहीं है। इफ वन डजंट हैव इनफ फाइनेंस देन द बेस्ट वे इज टू बोरो फ्रॉम आउटसाइड। आपके पास पैसे नहीं है तो आपको बोरो करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, फ्रेंड से लेना पड़ेगा, रिलेटिव से लेना पड़ेगा, फैमिली से लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वहां से फाइनेंस आप अरेंज कर सकते हैं। नंबर एट इज रजिस्ट्रेशन। नंबर एट इज रजिस्ट्रेशन। अब आपको देखना पड़ेगा कि आप जो इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, आप जो पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कहां पर रिक्वायर्ड है, कहां पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इट इज ऑलवेज वर्थ वाइल टू गेट द यूनिट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो भी स्कीम है, पॉलिसी है, उसके साथ आपको रजिस्टर कराना चाहिए, बराबर है। द एंटरप्रेन्योर हैज टू ऑब्टेन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंट्रल सेंटर डीआईसी से आपको वो फॉर्म लेकर के फिलअप करना पड़ेगा। आफ्टर हैविंग ड्यूली फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म ही हैज टू सबमिट द एप्लीकेशन विद ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन द लोकल डीआईसी। तो जो लोकल आपका डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है वहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है और आपको एज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना है। तो उससे गवर्नमेंट से भी अगर आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला होगा तो आपको मिलेगा। गेटिंग इट। एक्चुअल
अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब यहां से स्टार्ट होता है, सारे रिसोर्सेज को जमा करना है, जो भी रॉ मटेरियल आपको चाहिए, जो भी लेबर आपको चाहिए। अब धीरे धीरे आप लेबर को अपॉइंट करना स्टार्ट करेंगे, रॉ मटेरियल जमा करेंगे, मशीन से मशीनरी वगैरह लेकर के आएंगे। यहां पर आपका एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस हो जाता है। पॉइंट नंबर 9 का ए, तो क्या क्या रिसोर्सेस है? पहला है फिजिकल रिसोर्सेस। फिजिकल रिसोर्सेस, दिस इंक्लूड अलोकेटिंग स्पेस फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस एंड चूजिंग प्रोडक्शन मेथड। तो आप पहले स्पेस डिफाइन करोगे कि कहां पर क्या एक्टिविटी होने वाली है। जैसे आप रेडीमेड गारमेंट बना रहे हो तो कटिंग का काम किधर होगा, स्टिचिंग का काम किधर होगा, आयनिंग का काम किधर होगा, वॉशिंग का काम कहां पर होगा, पैकिंग का काम कहां पर होगा, है कि नहीं? ये सारे प्लेसेस आपको क्या करने पड़ेंगे, डिसाइड करने पड़ेंगे। चूजिंग प्रोडक्शन मेथड, आपका प्रोडक्शन का मेथड कैसा होगा वो भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। वन इज रिक्वायर्ड टू परचेज मशीनरी एंड हायर एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए आपको मशीनरीज और वर्कर की जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी, उनको आपको हायर करना पड़ेगा। इसमें कोई नई बात नहीं है, ऑब्वियसली आप बिजनेस सेटअप करने जा रहे हो तो ये फिजिकल रिसोर्सेस तो लगेगा। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई। आप इंडस्ट्रीज पुट कर रहे हो तो वाटर सप्लाई और पावर ये तो कंटिन्यू आना चाहिए, रेगुलर आना चाहिए। The site where the enterprise will be located should either have adequate power connections or it should be arranged. वहां पर या तो पहले से पावर सप्लाई होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, नहीं है तो आपको वहां पर अरेंज कराना पड़ेगा, ठीक है। The entrepreneur can calculate the total power requirement and determine the nearest pole from which power will be available for a business. तो जहां पर proper tower है ना, या जो power center है वहां से आप पावर ले सकते हैं। आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपके बिजनेस यूनिट के लिए कितने पावर की जरूरत है, कितने इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। इट कैन मटेरियली अफेक्ट द इंस्टॉलेशन कॉस्ट, और जितना ज्यादा पावर कंजम्पशन होगा उतना ज्यादा कॉस्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा, बराबर है। थर्ड वन स्टाफिंग। स्टाफिंग में कौन आ गया? आप अगर ऑफिस में किसी को रखना चाहते हो तो उसको अपॉइंट करना पड़ेगा, और दूसरा आपके यहाँ पर वर्कर्स जो चाहिए उनको आपको अरेंज करना पड़ेगा। Once machines are installed, the need for manpower arises. मतलब लेबर चाहिए आपको, वर्कर चाहिए, ऑफिसर्स चाहिए to run them. So the quantum मतलब यहाँ पर quantity है ना, quantum and type of manpower are to be decided. आपको manpower कितना चाहिए वो decide करना पड़ेगा। Suppose हमारे दो shift में काम हो रहे हैं, है कि नहीं? एक morning shift और एक evening shift, है ना? सपोज 9 o'clock को हम स्टार्ट कर देते हैं तो एक हम लोग ऐसा रख सकते हैं कि 9 to 3 o'clock एक ऐसा रख सकते हैं, और दूसरा 3 to up to the 8 o'clock 9 o'clock ऐसा हम रख सकते हैं, ठीक है। और किसी लेबर को अगर डबल वर्क करना है, ओवर टाइम करना है, तो उसको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा सकती है। द सोर्स ऑफ गेटिंग डिजायर्ड लेबर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कहाँ से आपको स्किल्ड लेबर मिलेंगे, कैसे लेबर आपको चाहिए, उनमें क्या स्किल होना चाहिए, ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, उसका सोर्स तलाशना पड़ेगा। This follows the recruitment, training and placement. तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, पहले आप recruitment करते हैं। Recruitment का मतलब क्या होता है? Advertisement दे करके interview के लिए बुलाना। आप बातचीत करेंगे, फिर उनको hire करने के बाद आप उनको training देंगे, कौन सी मशीन कैसे चलाई जाती है, यहाँ पर क्या काम आपको करना है। Training देने के बाद उनको place किया जाता है कि हमारे भांडुप वाली फैक्ट्री में आप रहो, हमारे मुलुंड वाली फैक्ट्री में आपको जाना है, हमारे घाटकोपर वाली फैक्ट्री में आपको जाना है ना। तो ऐसे हम प्लेसमेंट करते हैं उनका। पॉइंट नंबर 10, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, अब आपका सब कुछ सेट हो गया है, अब आपको प्रोड्यूस करना स्टार्ट करना है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। प्रोडक्शन इज द नेक्स्ट स्टेप वंस स्मॉल स्केल बिजनेस इज स्टार्टेड। एक बार बिजनेस स्टार्ट हो गया तो प्रोडक्शन चालू करना है अभी, ठीक है। मार्केटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एज फार एज द एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इज कंसर्न। अगर आपके अंदर एंटरप्रेन्योर स्किल को डेवलप करना है तो मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना मार्केटिंग के आपका प्रोडक्ट बिकने वाला नहीं है। मार्केटिंग एंड बिजनेस एडवर्टीजमेंट फ्रॉम नेक्स्ट स्टेप ऑफ सेटिंग अप स्मॉल स्केल बिजनेस। तो जितना ज्यादा मार्केटिंग आप करेंगे, माउथ पब्लिसिटी करेंगे, प्रमोशन करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, सेल्स एक्टिविटी करेंगे, उतना ज्यादा आपके प्रोडक्ट को डिमांड मिलेगा, और जितना ज्यादा डिमांड मिलेगा उतना आप और प्रोड्यूस करके जल्दी से जल्दी सेट हो सकते हैं।
अदरवाइज आपका टाइम गैप बहुत बढ़ जाएगा, तो जेस्टेशन पीरियड कम करने के लिए आपको मार्केटिंग इंक्रीज करना पड़ेगा। ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरीज एंड वेरियस ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट कैन गेन एक्सपोजर फॉर बिजनेस। तो यहाँ पर देखो लिखा है ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरीज, मतलब होता है ना आपको कभी कोई रिक्वायरमेंट होता है तो आप तुरंत ऑनलाइन सर्च करते हैं, तो गूगल सर्च पे या ऐसे जो सर्च इंजन है, जैसे आपने कई बार सुना होगा है ना, जैसे अमिताभ बच्चन भी एक एड करता है जस्ट डायल या सुलेखा.com, आपने सुना होगा। तो इसके ऊपर क्या मिलता है, आपका जो रिक्वायरमेंट आप तुरंत टाइप करते हो, तो उनके साथ आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। आप जस्ट डायल के साथ में रजिस्टर हो जाइए तो कोई भी आपके बिजनेस से रिलेटेड सर्च करेगा ना, तो उस सर्च इंजन में आपके कंपनी का नाम आ जाएगा, तो तुरंत आपको क्या मिलना चालू हो जाएगा, ऑर्डर्स मिलने चालू हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर इंडिया मार्ट करके एक प्लेस है, तो इंडिया मार्ट में आपके प्रोडक्ट जा सकते हैं, आप उसमें रजिस्टर करा दीजिए, तो जो भी पर्टिकुलर कोई रिटेलर वगैरह होगा आपसे गुड्स परचेस करना है, वो इंडिया मार्ट में टाइप करेगा ना, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा, आपके साथ तो कम्युनिकेशन करेगा। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ओके, रिव्यू और फीडबैक फॉर फ्यूचर चेंजेस। अब जो आपके कस्टमर बन रहे हैं, आपके क्लाइंट बन रहे हैं, आपसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप उनसे क्या लेंगे, रिव्यू लेंगे, फीडबैक लेंगे, ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस कर सके, मॉडिफिकेशन कर सके, ताकि लोगों को और अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करें, और अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, और अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करें। पीरियोडिकल मॉनिटरिंग, बीच बीच में आपको क्या करना है, चेक करना है, एंड इवेल्युएशन नॉट ओनली ऑफ मार्केट बट ऑल्सो प्रोडक्शन क्वालिटी। आपका प्रोडक्शन क्वालिटी टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए, इवेल्युएट होना चाहिए, चेक होना चाहिए, मॉनिटर्ड होना चाहिए। एंड प्रॉफिटेबिलिटी हेल्प इन नोइंग वेयर द फर्म स्टैंड्स इन कंपेरिजन टू द परफॉर्मेंस एनविसेज्ड इन द बिजनेस प्लान। जैसे जैसे आपने बिजनेस प्लान में अपना परफॉर्मेंस डाला, वो परफॉर्मेंस चेक करना पड़ेगा कि आपका प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्टैग्नेंट हो गया या कम हो गया है। अगर प्रॉफिट धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हमारा प्रॉफिट डे बाय डे क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में, क्वालिटी में, प्रॉफिटेबिलिटी में हमको चेक करना पड़ेगा वेयर वी आर स्टैंडिंग। इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। आपको मालूम पड़ेगा कि आपका फ्यूचर में कितना ग्रोथ हो सकता है। It can be concluded that setting up small scale business is not a difficult task. So, छोटा business start करना कोई difficult task नहीं है। हम जल्द से जल्द within a period of 15 days or 1 month ये काम कर सकते हैं। The steps to set up small scale business are simple and easy than the large scale business. बड़ा business setup करने से easy क्या होता है, छोटा business start करना। So, if one wants to set up a business, one can surely go for it. अगर आप start करना चाहते हैं तो आप इसके लिए जा सकते हैं। It is profitable, easier and helps in the growth of the economy of the country. Country के economic growth के लिए भी ये मदद करता है, ठीक है। So here we have completed with this particular question and along with this हमने ये पूरा chapter भी complete कर लिया। कौन सा question हमने अभी अभी complete किया, हमने complete किया steps in setting up small scale business। उसमें total हम लोग ने 11 to 12 points देखे। Point number one, decision of business area। आपको decide करना पड़ेगा आपका business area क्या है, ठीक है। Number two, study of business environment। उसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी है, कौन से लाइसेंसिंग पॉलिसी आपको अप्लीकेबल होंगे, लीगल एनवायरनमेंट कैसा है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, वो स्टडी करना पड़ेगा। सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस आप प्रोवाइड करना चाहते हो उसको आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको प्लेस सिलेक्ट करना पड़ेगा, प्लेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्लेस सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे टेक्नोलॉजी कौन सी है जिस टेक्नोलॉजी के दम पे आप प्रोडक्शन करना चाहते हो। फिर देखेंगे ये जो प्रपोजल आपने हाथ में लिया है उसका एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये बिजनेस या ये स्कीम चलेगा या नहीं चलेगा, फिजिबल है या नहीं है। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, फिनेंशियल, टेक्निकल, मार्केट, सोशल एंड मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू आपको चेक करना पड़ेगा कि बिजनेस कितना फिजिबल है। नंबर सेवन, फाइनेंस, पैसे के लिए आपको देखना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या अल्टीमेट आपको बैंक से लोन लेना पड़ सकता है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो भी रिक्वायर्ड सेंटर है, जैसे यहाँ पर DIC मेंशनड है, वहां पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो गवर्नमेंट द्वारा कोई सब्सिडीज या बेनिफिट आपको मिलना होगा तो वो मिल जाएगा। एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, फिर आप फिजिकल रिसोर्सेज अरेंज करेंगे, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और स्टाफिंग करेंगे। नंबर 10, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट। जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बिकना भी चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
मार्केटिंग करना पड़ेगा। आज की तारीख में ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप रजिस्टर करते हो तो लोगों को ऑनलाइन आपके कंपनी का इंडस्ट्री का नाम मालूम पड़ता है, वो डायरेक्टली आपको ऑर्डर दे सकते हैं। रिव्यू और फीडबैक फॉर फ्यूचर चेंजेस, आप फीडबैक के लिए क्या करेंगे, रिव्यू लेंगे लोगों के कि आपको बिजनेस से कितना सेटिस्फेक्शन है और इसके अकॉर्डिंगली फ्यूचर चेंजेस करेंगे। ठीक है, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। सो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।